दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार, और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। और बड़ी खबरों में पहले नंबर पर है, गूगल पर भिखारी सर्च करने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का डाटा सामने आने के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। और इस मामले में आग बबूला पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले गूगल पर इडियट सर्च करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी खबरें और उनकी इमेज सामने आ रही थी। और बड़ी खबरों में दूसरे नंबर पर है, उत्तर कोरिया ने हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका की इस तरह की नीति कोरियाई प्रायद्वीप में बातचीत का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप में उत्तर कोरिया के 3 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए जाने का ऐलान किया था। और बड़ी खबरों में तीसरे नंबर पर है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील KTS तुलसी ने राम मंदिर को लेकर कानून बनाने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राम मंदिर के लिए कानून लाने की कोशिश की गई तो यह मामला 1 से 1.5 साल और लटक सकता है, इसलिए अगर आप जल्दी मंदिर बनवाना चाहते हैं तो अदालत का फैसला आने दीजिए। और बड़ी खबरों में चौथे नंबर पर है, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राफेल मामले में माफी नहीं मांगने को लेकर कांग्रेस को बेशर्म करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राफेल के नाम पर झूठ बोला, विमान खरीद की प्रक्रिया ठीक है। यही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोक लेखा समिति या CAG पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने स्तर पर पूरी प्रक्रिया को परखा है। और बड़ी खबरों में पांचवें नंबर पर है, गोवा के CM मनोहर पर्रिकर द्वारा खराब सेहत के बावजूद काम करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने मनोहर पर्रिकर के बहाने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह कितना अमानवीय है कि खराब सेहत के बावजूद भी पर्रिकर पर काम करने और फोटो खिंचवाने का दबाव डाला जा रहा है। और बड़ी खबरों में छठे नंबर पर है, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने इच्छा मृत्यु को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि व्यक्ति को हमेशा आशावादी होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भीष्म पितामह का उदाहरण देते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपने आत्म सम्मान के साथ समझौता नहीं करनी चाहिए। और बड़ी खबरों में सातवें नंबर पर है, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का काम न्यास का है, भाजपा सिर्फ इसके निर्माण के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर कर सकती है। और बड़ी खबरों में आठवें नंबर पर है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम अपने 3 बार से जीते लगातार विधायकों का टिकट नहीं काट पाए, यही प्रदेश में हमारी हार का अहम कारण बना। और बड़ी खबरों में नौवें नंबर पर है, CPM नेता सीताराम येचुरी ने 2019 लोकसभा चुनाव में होने वाले महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिति आती है तो वह सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मायावती के साथ जाना पसंद करेंगे। इसके साथ ही येचुरी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की PM पद के लिए दावेदारी को लेकर कहा कि PM का नाम चुनाव के बाद तय किया जाएगा। और बड़ी खबरों में दसवें नंबर पर है, 1984 सिख नरसंहार के आरोपी कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरन कौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सज्जन कुमार पर फैसला आया है, कल जगदीश टैटलर पर आएगा और आगे कमलनाथ और गांधी परिवार की बारी है। और बड़ी खबरों में 11वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश की सत्ता में 15 साल बाद लौटी कांग्रेस सरकार के मुखिया कमलनाथ पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लिए, जिन्हें मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भोपाल के जुमरी मैदान में मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान कांग्रेस और UPA महागठबंधन के कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए, लेकिन इस महागठबंधन के मंच पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा प्रमुख मायावती नदारद थी, जिससे महागठबंधन में दरार की आशंका अब भी बरकरार है।
और बड़ी खबरों में 12वें नंबर पर है, बिहार में पुनपुन नदी के किनारे एक माह तक चलने वाली पुनपुन अंतर्राष्ट्रीय पौष खरमास पितृपक्ष मेले का उद्घाटन आज केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव ने किया। आपको बता दें कि वर्ष में दो बार पुनपुन नदी घाट पर पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है, पहला अश्विन माह में 15 दिनों के लिए जबकि पौष माह में एक महीने तक पितृपक्ष मेला पुनपुन नदी के घाट पर लगता है, जिसमें सनातन धर्म के श्रद्धालु अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहां आकर उन्हें पिंडदान करते हैं। और बड़ी खबरों में 13वें नंबर पर है, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के गुड गवर्नेंस और जनता से बेहतर संवाद के लिए लॉन्च किए गए ऐप ने राज्य में कई लोगों की तकदीरें बदल दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो काम सालों से नहीं हो पा रहे थे वह इस ऐप पर शिकायतें दर्ज करने के बाद उनका हल दिनों में निकल गया। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 15 दिसंबर 2017 को इस ऐप को लॉन्च किया था और अब इसके साल भर पूरे होने के बाद जो रिपोर्ट आया है वो चौंका देने वाला है। और बड़ी खबरों में 14वें नंबर पर है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर साधु संत राम मंदिर बनाने की पहल करेंगे तो वह खुद उसे हरी झंडी देंगे। इसके साथ ही आजम खान ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और कहा कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ऐसी किसी भी राजनीतिक या धार्मिक सभा से बचने की हिदायत दी, जिससे कि दूसरे समुदाय के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ एकजुट होने का अवसर मिल सके। और बड़ी खबरों में 15वें नंबर पर है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि पहले मोदी जब टीवी पर आते थे तो लोग उन्हें सुनते थे, हम भी उन्हें सुनते थे कि मोदी भाषण दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हम जवाब भी तभी देते थे जब मोदी का भाषण सुनते थे। अलवी ने आगे कहा कि लेकिन आज जब मोदी टीवी पर आते हैं तो जनता टीवी का स्विच ऑफ कर देती है, ये सुनना ही नहीं चाहती कि वह क्या बोलने वाले हैं। और बड़ी खबरों में 16वें नंबर पर है, तीन तलाक पर अध्यादेश लाने वाली मोदी सरकार आज एक बार फिर से इस बिल को लोकसभा में पेश करने जा रही है। इससे पहले ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दिलाने में नाकाम रही सरकार ने अध्यादेश के रास्ते से इसे लागू करवाया था। आपको बता दें कि इस बिल को विवाहित मुस्लिम महिलाओं को एक साथ तीन तलाक के खिलाफ संरक्षण देने के लिए लाया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार को करना पड़ा, लेकिन इस बिल के खिलाफ कांग्रेस अड़ी हुई है, जिस कारण से यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाई थी और राज्यसभा ने वापस इसे लोकसभा को भेज दिया था, जो आज फिर से लोकसभा में पेश हुई है। और बड़ी खबरों में 17वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ की नियुक्ति के बाद सभी की निगाहें इस ओर है कि राज्य में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इस रेस में जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दावेदारी को मजबूत मानी जा रही है, वहीं सूत्रों की माने तो आरएसएस शिवराज को नेता विपक्ष बनाने के पक्ष में नहीं है। इस मामले में आरएसएस सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व से कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग संतुष्ट था, इस वजह से बीजेपी ने चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। और बड़ी खबरों में 18वें नंबर पर है, राफेल मामले में अटॉर्नी जनरल और कैग को सम्मन भेजने की कोशिश कर रहे कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल इस मामले में संसद की लोक लेखा समिति के सदस्य ने ही खड़गे को समर्थन देने से मना कर दिया है। और बड़ी खबरों में 19वें नंबर पर है, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल पप्पू नहीं है लेकिन पप्पा जरूर बन गए हैं। इसके साथ ही अठावले ने तीन राज्यों में हार को बीजेपी की हार बताते हुए कहा कि इससे नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं है। और बड़ी खबरों में 20वें नंबर पर है, 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान के बेटे और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने कहा कि राम मंदिर केवल एक पार्टी का एजेंडा हो सकता है, ना कि एनडीए या केंद्र सरकार के लिए।
और बड़ी खबरों में 21वें नंबर पर है, एक अरसे से बीमार चल रहे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर बहुत दिनों बाद एक बार फिर से पब्लिक लाइफ में नजर आए हैं। और आज मनोहर पर्रिकर ने गोवा में बन रहे दो पुलों का निरीक्षण किया और पब्लिक लाइफ की अपनी नई तस्वीर में मनोहर पर्रिकर पहले की तुलना में कमजोर नजर आ रहे हैं और उनकी नाक में ट्रिप भी लगी हुई है, जिसको लेकर विरोधियों ने बीजेपी को घेरते हुए इस हालत में पर्रिकर से काम नहीं लेने की सलाह दी है। और बड़ी खबरों में 22वें नंबर पर है, अयोध्या में अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण की उठ रही मांग के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ किया है कि मामले में वह सिर्फ शीर्ष अदालत के फैसले को ही मानेंगी। अगर अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण की कोशिश की गई तो बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। बोर्ड का कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में कानूनी तौर पर सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती है। और बड़ी खबरों में 23वें नंबर पर है, राजस्थान के नए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज के दिन को अहम बताते हुए कहा है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है वह उसे शिद्दत के साथ निभाएंगे। और उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता किसानों और युवाओं के लिए रोजगार तलाशना होगा। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है बल्कि व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना है। और बड़ी खबरों में 24वें नंबर पर है, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार ने एनसीपी चीफ शरद पवार को अगले पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने को लेकर आपत्ति जताते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को भविष्य का प्रधानमंत्री कहने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आए। और बड़ी खबरों में 25वें नंबर पर है, केंद्र सरकार ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा लगातार दिए जा रहे ताबड़तोड़ छूट, कैशबैक और उपहारों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार का मकसद घरेलू रिटेलरों के हितों की सुरक्षा करते हुए ई कॉमर्स सेक्टर को मजबूत करना है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है जिसे जल्द ही कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। और बड़ी खबरों में 26वें नंबर पर है, बादाम खाना सेहत के लिए बेहद लाभप्रद होता है, बादाम खाने से दिल के मर्ज से भी बचा जा सकता है। इस संबंध में एक शोध के जरिए से आलमंड बोर्ड ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि रोजाना 45 ग्राम बादाम खाने से डिस्लिपिडेमिया यानी कि खून में कोलेस्ट्रॉल जैसे पदार्थों के जमने का खतरा कम हो जाता है। और बड़ी खबरों में 27वें नंबर पर उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य उम्मीदवार 20 दिसंबर तक शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट www.upbasicedubord.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बड़ी खबरों में 28वें नंबर पर है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय कप्तान कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि विराट कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और रिकी पोंटिंग जैसे महान खिलाड़ियों से बेहतर बल्लेबाज हैं। वॉन ने इसको लेकर कहा कि मैंने इतना बेहतर खिलाड़ी नहीं देखा है। और बड़ी खबरों में 29वें नंबर पर है, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जीरो के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए शाहरुख खान ने इसे फिल्म जीरो में अपने किरदार बौआ सिंह का बर्थडे गिफ्ट बताया है। आपको बता दें कि शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जीरो 21 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। और बड़ी खबरों में 30वें नंबर पर है, सीरियल किसर की इमेज से वाहवाही लूटने वाले इमरान हाशमी अब फिल्म निर्माता बन गए हैं और निर्माता बनते ही उन्होंने अपनी फिल्म में किसिंग सीन को बैन कर दिया है, क्योंकि इमरान का मानना है कि उनके होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्में उनके नाम से ही जानी जाएगी, इसलिए वह अपनी फिल्मों में किसिंग सीन नहीं रखेंगे। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।